मेरे काम का क्या बना? नहीं हो सकता, गजनवी ने एन वक्त। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जान निसार में आने वाले एपिसोड जो हम देखने जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प है। तफसील जाने से पहले हम अपने मौजूद सामेईन को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। जुनैरा बेगम ने दुआ को सरकार जी के सामने पेश करने के लिए दुआ की वीडियो का भी इस्तेमाल किया ताकि दुआ जुनैरा की बात मान ले, और अगर दुआ बात ना माने और नौशेरवान को पता चल जाए तो वो दुआ को तलाक दे दे। मगर जुनैरा की चाल ही उल्टी पड़ गई, नौशेरवान सारी बातें भी सुन लेता है और जुनैरा से ज़बरदस्ती वीडियो भी हासिल कर लेता है, जैसे जुनैरा ना सिर्फ बेअसर हो गई बल्कि नौशेरवान ने धमकी दी कि जुनैरा बेगम, अगर तुमने दो दिन के अंदर अंदर इलाके को ना छोड़ा तो मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जब नौशेरवान दुआ को वीडियो जाकर देता है तो दुआ बहुत खुश होती है कि नौशेरवान आपने मेरा मान बढ़ा दिया, आपने मुझे खुश कर दिया, आपने तो मुझे खरीद ही लिया, मुझे ज़हनी अज़ियत से आज़ाद कर लिया। दूसरी तरफ कश्माला जुनैरा बेगम को फ़ोन करके पूछती है कि मेरे काम का क्या किया, तो जुनैरा अफसरदा आवाज़ में कहती है कि नहीं हो सकता, नौशेरवान ने ऐन उस वक्त पर मेरी प्लानिंग को उल्ट दिया और ना सिर्फ वो वीडियो मुझसे छीन कर ले गया बल्कि मुझे इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम भी दे दिया है, मैं अब इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कश्माला परेशान हो जाती है कि नौशेरवान तो दुआ की ढाल बन चुका है, मैं दुआ को किस तरह से अटैक करूँ, वो हर तरफ से दुआ को कवर कर लेता है, मैंने पैसों का भी इस्तेमाल किया मगर बेसूद। दुआ अब पुरसकून हो जाती है, जैसे दुआ नौशेरवान को बहुत खूबसूरत लगती है। नौशेरवान कहता है कि दुआ परेशान रहा करो, तुम परेशान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खुश रहा करो, तुम्हें पता है कि दुआ जब तुम खुश होती हो तो मुझे सुकून मिलता है, मेरा कुछ सोचने को दिल करता है, मेरा कुछ अच्छा काम करने के दुआ कर दिल करता है। दुआ कहती है कि आप सोचा करो ना, आप पुरसकून रहा करो, आपको कौन रोक सकता है। तो नौशेरवान कहता है कि है एक शख्स जो मुझको कभी कभी रोकता है। दुआ परेशान होकर पूछती है कि कौन, तो नौशेरवान कहता है कि वो शख्स उस इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ। तो दुआ शर्मा जाती है, नौशेरवान कहता है कि दुआ आओ आज का खाना कहीं बाहर जाके खाते हैं, मौसम भी अच्छा है और आपका मूड भी अच्छा है, तो दोनों तैयार होकर खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सरफराज फिजा से लड़ता झगड़ता है, इस बार इसका बाप नज़ीर साहब इसको डांटता है। इस बार सरफराज अपने बाप से नाराज़ होकर घर छोड़कर जाने लगता है तो फिजा सामने आ जाती है कि प्लीज़ आप घर छोड़कर ना जाओ। इसी कश्मकश में सरफराज फिजा को धक्का दे देता है और फिजा दूर जाकर गिरती है। फिजा चूँकि प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तबीयत गैर होने लगती है, जब तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसको अस्पताल पहुँचा दिया जाता है। फिजा के वालिद को पता चलता है कि फिजा अस्पताल में है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो भागता परेशान हॉस्पिटल पहुंचता है और सरफराज को पकड़ कर मारता है कि तूने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिजा की मां फजीलत फिजा के वाले से लड़ती झगड़ती है कि अगर तुम दुआ को घर आने की इजाज़त दे देते और मोहल्ले वालों को तमाशा ना दिखाते तो मेरी बेटियों का बाल भी बीका ना होता, अब सारा घर ख़त्म होकर रह गया है, मेरी बेटियाँ दर बदर हो गई हैं सिर्फ तुम्हारी छोटी सी गलती पर, तुम मेरी बेटियों के दुश्मन हो, अब मैं किससे जाकर इंसाफ मांगूं, किसको अपना दुखड़ा सुनाऊं। उधर जब नौशेरवान और दुआ रेस्टोरेंट से खाना खाकर निकल रहे होते हैं तो उसको एक लड़की मिलती है, कहती हेलो नौशेरवान कैसे हो, ये तो वही लड़की है जो दुआ से पहले नौशेरवान की जिंदगी में थी और फिर वो बैरून मुल्क चली गई थी। नौशेरवान उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये लड़की अब मेरी जिंदगी में आने की कोशिश करेगी और मेरा जो बसा बसाया घर है, दुआ मुझसे नाराज हो जाएगी, मेरे लिए मसले पैदा होंगे, पहली कश्माला मुझे जीने नहीं दे रही और ऊपर से ये लड़की अगर मेरे पीछे पड़ गई तो मैं तो बर्बाद होकर रह जाऊंगा। वो ये सोचकर परेशान हो जाता है।